नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का, आप देख रहे हैं एसएन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। समय हो गया दिन भर की बड़ी और ताजा खबरों को रुक करने का। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। यूपी में 24 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, मजदूर ठेले वालों को 1000 रुपए महीने देने का ऐलान। दिल्ली सरकार ने बनाया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक। केजरीवाल बोले नए कोविड केस घटकर 6500 पर आए। 2021 से बिना परीक्षा पास हो जाएंगे लाखों छात्र। मुंबई में धीमी हुई कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए 1147 नए केस, 62 लोगों की मौत। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान ई कर्फ्यू पास का फर्जीवाड़ा उजागर, रुपए लेकर बनाए जा रहे हैं पास। दिल्ली में लगे मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिए, लिखे पोस्टर। 17 FIR दर्ज, 15 लोग गिरफ्तार। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 59 IAS बने 75 जिले के नोडल अफसर, जाने क्या करेंगे काम। यूपी के इस जिले में साप्ताहिक बंदी में छूट, जाने कितने बजे तक खुलेंगी दुकानें। बच्चों पर कोरोना की दूसरी लहर का कहर, 4 और 10 साल के मासूमों की मौत से बड़ी चिंता। बिहार में टूट रही कोरोना संक्रमण की चैन, एक दिन में मिले 7 या 336 नए संक्रमित, खाली होने लगे बेड। सीएम तीरथ सिंह रावत का दावा, कहा उत्तराखंड में ऑक्सीजन व कोरोना दवाओं की कोई कमी नहीं। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर संक्रमण का खतरा अधिक, रहे सावधान। सिरसा में गांव के स्कूल आइसोलेशन सेंटर में तब्दील, कोरोना लक्षण वालों को मिलेगी मेडिकल किट। हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू 24 मई तक बढ़ाया गया, कैबिनेट की बैठक में फैसला। स्थगित हुई क्लेट प्रवेश परीक्षा, आवेदन की आखिरी तारीख भी 15 जून तक बढ़ी। राजस्थान की 24% के सिर्फ जयपुर में, अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ाकर ज्यादा सख्ती करने की तैयारी। कोरोना के केसों पर लगाम लगाने के लिए सीएम योगी ने शनिवार को कैबिनेट मीटिंग में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सीएम योगी ने एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया है। 24 मई की सुबह 7 बजे तक पाबंदियां जारी रहेंगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आवश्यक सेवाओं को छूट मिलती रहेगी। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट बैठक में यूपी ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन योजना 2021 को भी मंजूरी दे दी गई है। साथ ही यूपी सरकार ने श्रीमुखों, ठेले वालों, खोमचे वालों को 1000 रुपए महीना भत्ता और 3 महीने का राशन देने की घोषणा की है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को बताया कि दिल्ली में धीरे धीरे कोरोना कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना केस और कम होकर 6500 पर आ गए हैं। संक्रमण दर भी घटकर 11% आ गई है। कोरोना महामारी की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए शैक्षिक सत्र 2020-21 में मुख्य एवं सेमेस्टर परीक्षाओं के बिना ही छात्र छात्राओं को अगली कक्षाओं में पोन्नत किया जाएगा। पोन्नत किए जाने को मानक तय करने के लिए शासन ने 3 कुलपतियों की एक कमेटी गठित की। कमेटी के आधार पर फैसला शासन स्तर से लिया जाएगा। महाराष्ट्र में अब कोरोना की रफ्तार धीमी होने लगी है। खासकर राजधानी मुंबई में कोरोना के नए केस में दिन ब दिन गिरावट देखने को मिल रही है। मुंबई में शनिवार को कोरोना वायरस के 1147 नए मामले सामने आए हैं। वहीं नए केस की तुलना में 2 या 333 मरीज ठीक भी हुए हैं और 62 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान आवागमन के लिए रुपए लेकर ई कर्फ्यू पास बनाने की फर्जीवाड़ा का मामला प्रकाश में आया है। ये ई कर्फ्यू पास किसी आम नागरिक ने नहीं बल्कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के एक पार्षद ने बनाया। पूर्वी दिल्ली से एक नगर निगम पार्षद ने इस संबंध में ई कर्फ्यू पास की फोटो और एक वीडियो के साथ उत्तर पूर्व जिला के DM को लिखित शिकायत दी है। दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के संबंध में कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी की आलोचना करने वाले पोस्टर चिपकाने के लिए 17 FIR दर्ज किए और 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि ये पोस्टर शहर के कई हिस्सों में लगाए गए हैं। इनमें लिखा था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी है। यूपी की योगी सरकार ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लिया है। SES प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के 59 अफसरों को 75 जिलों का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। ये सभी अधिकारी एक जिले में एक सप्ताह तक रहेंगे। यहाँ हुए कोरोना संक्रमण के रोकथाम और CSC PSC में ऑक्सीजन के अलावा बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने का काम करेंगे। ये सभी जिला प्रशासन के कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। यूपी में कोरोना की कम होती रफ्तार से लोगों को राहत मिली है। एक और जहां अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की महामारी कम हुई है, तो वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ छूट भी दी जाने लगी है। वाराणसी में अब सप्ताह भर एक समान नियम लागू करने को कहा गया। पहले वीकेंड शनिवार और रविवार को पूरे वाराणसी में हर तरह की दुकानें बंद रहती थी। अब शनिवार और रविवार को भी दूध, फल, सब्जी और अनाज की दुकानें के साथ मिठाई, अबकारी और भोजन सामग्री की दुकानें दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी। कोरोना का संक्रमण मासूमों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है। शुक्रवार को 4 साल के मासूम की मौत BRD मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हो गई है। बीते 8 दिनों में कोविड के प्रकोप से इलाज के दौरान बच्चों की मौत का ये दूसरा मामला सामने आया है। इससे पहले सिद्धार्थ नगर के एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर पिछले 1 महीने में लगातार कहर बरपा रही है। अब धीरे धीरे हालात बेहतर होते नजर आ रहे हैं। पिछले 4 दिनों से बारिश के नए मामले 10 हजार से नीचे आ रहे हैं। राज्य में शनिवार को 7 या 336 नए मामले सामने आए। इससे पहले शुक्रवार को 7 या 494 मामले सामने आए थे।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन व दवाइयों की कोई कमी नहीं है। इसी सप्ताह रूस से राज्य को वैक्सीन की लाखों डोज उपलब्ध हो जाएंगी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है। शनिवार को मेडिकल कॉलेज में पत्रकारों के साथ वार्ता के दौरान सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने रुद्रप्रयाग पौड़ी व चमोली का दौरा कर कोरोना प्रबंधन का जायजा लिया है। सभी जगह व्यवस्थाओं से हुए पूर्ण रूप से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि राज्य का मैदानी क्षेत्र हो या पहाड़, अब सभी जगह अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के बेड उपलब्ध है। सीएम रावत ने कहा कि एक माह के भीतर अस्पतालों की व्यवस्थाओं को और दुरुस्त कर दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बच्चों से संक्रमण के खतरे की आशंका सबसे ज्यादा है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है और तैयारी शुरू कर दी है। डीएम ने जिले के सरकारी और निजी अस्पतालों में NICU और PICU बेड बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके लिए NHM के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश चौहान को नोडल अधिकारी बनाया गया है। हरियाणा में सिरसा समेत कोरोना के बढ़ते मामले और विशेषकर इस महामारी ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच जाने वाले गाँव में स्कूलों को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 कर्फ्यू 26 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कर्फ्यू को बढ़ाने का फैसला किया गया है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी मीडिया को दी है। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने के लिए कर्फ्यू में रोजाना 3 घंटे की ढील दी जाएगी। विधि प्रवेश परीक्षा कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लर 2021 की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। परीक्षा आयोजित करने वाले बॉडी कॉन्सोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने क्लर 2021 को स्थगित कर दिया है। आज 15 मई को जारी नोटिस के अनुसार 13 जून 2021 को आयोजित की जाने वाली क्लर 2021 परीक्षा को पूरे प्रदेश में कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। राजस्थान सरकार राजधानी जयपुर सहित पूरे जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब और ज्यादा पाबंदी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जयपुर जिले में पूरे प्रदेश के 24% से ज्यादा एक्टिव केस होने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। और इसी के साथ दोस्तों आज दिनभर की 10 बड़ी खबरें मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज की सब वीडियो को फिनिश करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और रोज मुख्य समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।